कतर की एक अदालत ने इंडिया की अपील को स्वीकार कर लिया है। ये अपील भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों को सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ दायर की गई है। सूत्रों से पता चला है कि कतर का कोर्ट इस अपील पर गौर कर रहा है और इस पर जल्द ही सुनवाई भी कर सकता है। इससे पहले गुरुवार यानी कि 23 नवंबर को ही विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट में बताया था कि सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए कतर में अपील दायर की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत इस मामले पर कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। उनके मुताबिक सरकार देश के पूर्व नौसेना अफसरों को हर कानूनी और दूतावास संबंधी मदद दे रही है। आपको बता दें कि जिन 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को कतर में सजा सुनाई गई है, ये सभी अफसर टेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कतरी सेना के जवानों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी मदद प्रदान करती है। इन सभी भारतीय पूर्व अधिकारियों को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 की रात को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे, लेकिन ये आरोप हैं क्या, ये बात कतर ने आज तक सार्वजनिक नहीं की है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन अधिकारियों पर कतर के सबमरीन प्रोग्राम की गोपनीय जानकारी इसराइल के साथ साझा करने का इल्जाम लगा है। रिपोर्ट्स की माने तो कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी कतर स्टेट सिक्योरिटी ने दावा किया था कि उसने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों के उस सिस्टम को इंटरसेप्ट कर लिया था जिससे वो कथित रूप से जासूसी कर रहे थे। इसके बाद कतर की अदालत ने सभी अफसरों को फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में खास बात यह है कि कतर ने आरोपों को लेकर भारत सरकार के साथ कोई भी सबूत साझा नहीं किया है, न ही किसी भी तरीके की जानकारी दी है। तो वहीं पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कहा था कि सभी पूर्व नौसेना अधिकारियों का भारतीय नौसेना में 20 साल तक का बेदाग कार्यकाल रहा है और उन्होंने बल में प्रशिक्षकों सहित महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। मई में अल दहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया था और वहाँ काम करने वाले सभी लोग मुख्य रूप से भारतीय घर लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टाइम तक।